नमस्ते बच्चों, आरटीसी स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। आज हम लोग व्याकरण पढ़ने वाले हैं। बच्चों, 11 पाठ है, आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, कारक के बारे में जानेंगे। कारक चिन्ह क्या है, उनकी परिभाषा क्या है, कारक कितने प्रकार के होते हैं और वो कौन कौन से है। इससे पहले भी आप लोग कारक पढ़े होंगे बच्चों, जो काफी रोचक है, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, है ना, ये सबके दिमाग में होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, है कि नहीं। तो चलिए इसी विषय को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कारक। ठीक है, आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, व्याकरण की कॉपी निकाल लीजिए और उसमें कारक को लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कारक क्या है। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसके संबंध का ज्ञान होता है, उसे कारक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। तो राम को रावण के द्वारा मारा गया है या रावण को राम के द्वारा मारा गया है, इसी चिन्ह के द्वारा हम लोग समझे ना, ने और को, यही हमारे कारक चिन्ह जिनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसी वाक्य को मैं लिखती हूँ कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है ना, ने क्या है, कारक चिन्ह है, संज्ञा है, ये कारक चिन्ह है। यहाँ पे क्रिया क्या क्या की गई है, मारा गया है ना। तो अगर हम लोग ये हटा देते हैं तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, राम रावण मारा। तो क्या ये वाक्य सटीक लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पे क्या करना होगा, हम लोग कारक चिन्ह की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे राम ने रावण को, तो इससे क्या होता है, हमारा वाक्य पूरा होता है। तो आज हम लोगों को यही पढ़ना है, कारक चिन्ह ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध का ज्ञान होता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का ज्ञान होता है, उसे ही कारक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह के ही द्वारा हम लोगों को संबंध का ज्ञान हुआ ना, कि राम ने, राम क्या करने वाला है, रावण को मारने वाला है। क्या वे संज्ञा के ही द्वारा हम लोग समझे ना कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कारक का क्या संबंध है। तो उस संबंध को जब हम लोग जाने, उसी को कहते हैं कारक चिन्ह। ठीक है बच्चों, तो इस परिभाषा को समझने में काफी कठिनाई नहीं हुई होगी आप लोगों को। इसी तरह बस आप लोगों को एक उदाहरण लेना है जिनमें कारक चिन्ह का विशेष प्रयोग किया गया हो, और उस उदाहरण के ही द्वारा आप लोग परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो कारक को हमने पढ़ लिया कि कारक किसे कहते हैं, अब हम लोग जानते हैं कि कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। आठों प्रकार के बारे में आप लोग जानते होंगे पहले से, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो यहाँ पे मैंने कारक चिन्ह को लिखा है, जैसे कर्ता, कर्ता कौन है, कर्ता हमारा राम है, और कर्ता का कारक चिन्ह क्या है, ने। कर्म कारक कौन है, कर्म कारक हमारा रावण है, उसका कारक चिन्ह क्या है, को है। करण कारक से, संप्रदान कारक को के लिए जिसके द्वारा कोई कार्य किया गया, संप्रदान किसी के संपर्क में आकर, अपादान उससे थोड़ा अलग होकर, संबंध जिससे एक वाक्य सा, एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध हो, जैसे का के की रा रेली। अधिकरण किसके ऊपर या घर में, ऐसे शब्द जहाँ पे आए, जैसे कि सीता छत पर बैठी है ना। पर संबोधन, जैसे कि विस्मय बोधक, संबोधन किसी चीज का आप अपना भाव दिखा रहे, अरे अरे हो, हे प्रभु, है ना, ऐसे ऐसे शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वो है हमारे संबोधन कारक। तो चलिए इनकी परिभाषा को अच्छे से समझते हैं, आप लोग भी अपनी पुस्तक निकाल लीजिए बच्चों। सबसे पहले हमारा कर्ता कारक, तो कर्ता कौन होता है, कर्ता यहाँ पे राम है, तो हम लोग समझेंगे
वाक्य में शब्द का जोर किसी क्रिया के करने वाले का ज्ञान करे उसे कर्ता कारक है। जैसे बच्चों ने शोर मचाया, तो यहाँ पे शोर कौन मचा रहा है? बच्चों ने, है ना। तो यहाँ पे जो हमारा कारक चिन्ह क्या है? कर्ता का ने। इसी से आप लोगों को समझना है कि कर्ता की परिभाषा क्या है और उसके उदाहरण क्या हो सकते हैं और कारक चिन्ह क्या। बस आप लोगों को कारक चिन्ह याद रखना है, इससे क्या होगा आप लोग पूरी परिभाषा को अच्छे से लिख देंगे। दूसरा है हमारा कर्म कारक। वाक्य में जो शब्द क्रिया के कर्म का ज्ञान कराती है, जैसे राम किस काम पे जोर दे रहा है, यहाँ मारने के लिए उस पे जोर दिया गया है ना, तो वही है कर्म कारक। मीरा ने बेटे को पत्र लिखा, तो यहाँ पे उसका संबंध भी स्थापित हो रहा है और पत्र किसको लिखती है? बेटे को। तो यहाँ पे कर्म बेटा है, जैसे मीरा यहाँ पे करता है ना, इसी तरह आप लोगों को समझना है। बस कारक चिन्ह को याद करना है, बाकी परिभाषा आप लोग खुद लिख लेंगे। करण कारक, कर्ता जिस साधन के द्वारा किया करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे पंकज चाकू से फल काट रहा, किसी के द्वारा किसी की सहायता से फल काट रहा है ना, तो उसे करण कारक कहते हैं। करक कारण का चिन्ह क्या है? के द्वारा से, किसी की सहायता से किसी के द्वारा, तो वो है हमारा करण कारक। चौथा है हमारा संप्रदान कारक, को के लिए। मैंने अभी बताया ना कि किसी से संप्रदान आपका प्रदान के द्वारा हो रहा है, आप लोगों को शब्दों के ही माध्यम से उसकी परिभाषा को समझना पड़ेगा। जैसे रमन ने माँ को चाय दी, तो रमन के ही द्वारा क्या हो रहा है? माँ को चाय दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कारक चिन्ह क्या है? को। इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। अब पढ़ते हैं अपादान कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होने का ज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? अपादान, मतलब अलग होना। अपा मतलब और दान, अलग होना। तो चूहा बिल्ली से डर गया, बिल्ली से डर के वो कहाँ चला गया? बाहर चला गया चूहा, है ना, तो वो डर गया, यहाँ पे अलग होने का बोध हो रहा है। तो इससे आप लोगों को समझना है कारक चिन्ह क्या है? से। छठा है हमारा संबंध कारक। जैसे किसी वाक्य का दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित होना, वो हमारे क्या है? संबंध कारक। संज्ञा का वह रूप जो वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध बताता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे मेघा की बहन चित्र बना रही है, किसके द्वारा? पेपर के द्वारा, किसी की सहायता के द्वारा बना रही है ना चित्र। तो यहाँ पे मीरा का चित्र के साथ एक संबंध है ना, को के का के ली, ये सब जहाँ पे कारक चिन्ह आए तो आप लोग समझ जाइएगा। अधिकरण कारक, संज्ञा का जो रूप किसी क्रिया के होने का आधार समय या स्थान बताता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अधिकरण कारक, जैसे मैं पढ़, जैसे कि संजीव कमरे में पढ़ रहा है, कमरे के भीतर ही वो पढ़ रहा है, कमरे में पढ़ रहा है। और औरतें छत पर बैठी है, वो छत के ऊपर बैठी है ना, तो यहाँ पे अधिकरण कारक है। और अंतिम है हमारा संबोधन, किसी प्रकार का संबोधन व्यक्त करना, मतलब अपनी अपने अंदर के जो भाव है उसको बताना शब्दों के माध्यम से। जैसे किसी को संबोधन करना या पुकारने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा करना, किसी को हम लोग अंदर से पुकार रहे हैं अपनी इच्छा से, अपने भाव के द्वारा, है ना। तो आप लोगों को ये कारक कितने प्रकार के हैं? आठ प्रकार के। तो आठों प्रकार के नाम लिखने हैं, उसकी परिभाषा को लिखना है, उदाहरण लिखना है और सबसे विशेष कारक चिन्ह को लिखना है और उसको याद करना है। अगर आप लोग कारक चिन्ह को याद कर लेते हैं तो और कुछ आप लोगों को नहीं करना पड़ेगा, परिभाषा भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कारक चिन्ह के द्वारा हम लोग इसकी परिभाषा को आराम से जान सकते हैं, है ना बच्चों। तो परिभाषा कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने प्रकार है, उनके सारे प्रकार की परिभाषा को आप लोगों को लिखना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।